अंकित बहुत गंदी आदत है, को कोई पीटेगा मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है मुझे अंदर से। देखते इतनी भीड़ हो गई पीछे से देखो। गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो सुबह के इस समय बज रहे हैं हमारे 9:26 हो रहे हैं और आज हम लोग चल रहे हैं समथिंग स्पेशल जगह पे। चलने वाले मैं, विशाल, अंकित, हम तीन लोग जाने वाले हैं और हम लोग ना ये महादेव का टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, तो आप कुछ नोटिस भी कर सकते हो। विशाल भी देखो सेम सेम महादेव की टी शर्ट पहना है। ओ भाई अंकित को देखो थोड़ा, वो तो गुंडा बन के जाएगा लग रहा है। बाय। उस रोड से सिर्फ कांवरिये वाले जाएंगे और इस रोड पे ना वाहन जाएगी और आएगी दोनों। योगी जी ने ये स्पेशल कांवर वालों के लिए ये रोड निकाल दिया है, सिर्फ कांवर वाले जाएंगे। ये कौन सी कला हो रही है? कांवर यात्रा देखो, औरत भी लेके जाती है, लेडीज मम्मी की जैसी औरत। वो स्पेशल जगह है हमारे महादेव की, मंदिर। सो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। आज ना गाइस बहुत ज्यादा भीड़ है, अगली बार जब हम लोग आए थे तो ज्यादा भीड़ नहीं थी। यार मंदिर में आते ही मंदिर तो बंद है अभी क्योंकि 12 बज रहे हैं और सुबह 4 से 12 बजे तक रहता है, फिर 12 से 1 तक ना बंद रहता है, 1 बजे से चालू होगा 9 बजे रात तक। और मैं देखो महादेव के लिए ना दूध लेके भी आ गई थी चढ़ाने के लिए महादेव। और ये हमारे ऐसे लोग कर रहे हैं फोटोग्राफी। महादेव के दूध में जूठा नहीं होना चाहिए, कुछ पड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही मैंने इस सुन को देखा ना, पहली बार याद आ गया जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, ऐसे ही मैंने भी फोटो क्लिक कराया था। अंकित बोल रहा है चलो अब यहाँ से, अब इतनी दूर आए महादेव के दर्शन किए बिना तो जाएंगे नहीं, सही में नहीं जाएंगे। घंटे तक तुम लोग आराम से फोटो वीटो क्लिक कर लो। हाँ जाके बोल दो। देखो ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि मम्मी से बोलेंगे कि मैं जबरदस्ती इन लोगों को मंदिर लेके, हद मचा दी है ये दोनों तो। अब छोटे बच्चे ये देखो ये भी हो गया है, कि ये गंदी आदत है, सुन सुन टूट जाएगा उसका, कोई पीटेगा मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है मुझे अंदर से। और अंदर वाली फीलिंग अंकित सही हो जाती है, अगर तुम जैसे चढ़े वैसे मैं किसी को बुला दूंगी। ओ भैया अंकित ऐसा हो गया कि अगर तुम चढ़ते रहो अंकित, अगर चढ़ते रहो तुम, अब भगवान न करे ऐसे तुम्हारा पैर फिसल जाए और तुम इसमें आ जाओ, पैर ही टूट जाएगा सीधा। ला मोबाइल, चलो और कुछ सामान है, सारी सुविधा देते जाओ, पता चलो सही में गिर गए तो। अरे मम्मी सच में चढ़ गया। अरे हद हो गई भाई, अंकित ये बहुत गंदी आदत है देखो। और ये वहां से अब फोटो खींच रहे हैं। अरे 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 देखो, वाह वाह, कोई देख भी नहीं रहा है कि इन लोगों को कुछ बोले। अंकित थोड़ा इधर मुंह दिखा लो तो, ए राक्षस जैसा मुंह लग रहा है। इन लोगों ने हद ही मचा दी है, एकदम हद मचा दी है। देखो गाइस ये क्या बोल रहा है, अर्चना दीदी तुम भी चढ़ जाओ। मैं पागल हो गए, पर मैं पागल नहीं हूँ, मैं नहीं चढ़ूंगी भाई, काफी लंबी लाइन लग गई है। पीछे आई थी लाइन, आ गई है आगे वाली, यहाँ पर मायने नहीं रखता, तीन लोग आ गए पीछे यहाँ से, पर हम लोगों का नंबर पहला ही है। अभी गेट देखो ओपन नहीं हुआ है अभी क्योंकि 5 मिनट बाकी है। यार कर दिया, देखते इतनी भीड़ हो गई पीछे से देखो, छांव हो गए मस्त, अब बारिश आने वाली है ऐसा लग रहा है। आ भी सकती है, कोई भरोसा नहीं। चलो चलो चलो, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ। महादेव के दर्शन तो हो गए, अब चलती विशाल के पास। मैंने ऑलरेडी आपको अगली बार दिखाया था कि कितनी खूबसूरत जगह है ये, अब एकदम भीड़ खाली हो गई, अब सब नॉर्मली दर्शन के लिए जा रहे हैं। और मैं निकल के, और यहाँ आ रही हूँ हमारी गंगा।
गंगा माँ जमुना माँ उनके पानी से पहले आँख धो ली थी, गंगा माँ जमुना का के पानी से। महादेव ने सही बोला है, मतलब किसी ने सही बोला है कि जिसके भाग्य में होता है वही दर्शन करता है। अब देखो यहाँ विशाल और अंकित दोनों लोग आए हैं, पर उनके नसीब में दर्शन करना नहीं लिखा था, तभी वो लोग नौटंकी कर रहे थे। मेरे नसीब में महादेव का दर्शन था तो मैंने दर्शन कर लिया। दर्शन करके पार्किंग के पास भी आ गए जहाँ बाइक थी अपनी ली, और ये वहाँ से लोग अभी आए ही नहीं, पता नहीं किधर रह गए। वो आ रहे हैं दूर से, देखिए आपको उधर आ रहा है विशाल, आ गया अंकित पीछे। मैं दर्शन करके भी आ गई और ये लोग देखो मचक मचक के अभी निकल रहे हैं फोटो शूट करके। किधर थे भैया आप लोग, किधर थे? भगवान का दर्शन कर रहे थे कि देवी माँ का दर्शन कर रहे थे? हर बार की तरह आज भी हमारा है छोले और भटूरे। गन्ने का जूस भी इतना महंगा हो गया है, इतना दिन प्रतिदिन सारी महंगाई गन्ने के जूस में आ रही है। लोग बाइक चला चुके हैं आज के जमाने में, अब मैं चलाऊंगी। तुम लोग हवा से बात करते हो, बाइक उठता ही राक्षस। बहू मैं बाइक चलाऊंगी, थोड़ा सिखा दो, चलो चलेगा, उठ जाएगा समझे तुम। ये लो एक हाथ में फोन है, इसके लिए नहीं उठ रहा था, ये लो इज्जत वाली बात है, देखो उठा ली मैं सही में, जैसे मैं बंदर लग रही हूँ। चलो चलो भाई, आखिरकार अंकित ही चला रहा है बाइक, मैं नहीं चला रही हूँ। यार गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही, कहीं बुरा बाढ़ आ रहा है और हमारे यूपी में तो बारिश ही नहीं हो रही है। अरे राम राम अंकित, एक एक नज़र थोड़ा अंकित, अंकित एक नज़र तो बनता है भाई, एक नज़र। अरे रे 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 मेरा भाई, गाइस इसका बाल देखो कैसा लग रहा है। विशाल तुम दो शब्द अपने मुँह से थोड़ा बोल दो, एकदम VIP। अरे रे बच के, चलो भाई इतने गधे लोग हैं लोग। अब मुझे इतनी दूर पैदल चल के चलना पड़ेगा, बाल की हालत एकदम खराब हो गई गाइस। अरे रे रे बैठ बैठ के तो एकदम हालत खराब हो गई है। अब इस समय हम लोग पहुँचे अभी और आई से तो भी टाइम लगेगा फिर पहुँचने में। अंकित पानी लाने गया गाइस, और ऐसे जा रहा था इसमें ऐसे गिरने से बच गया थोड़ा। देखो कितना चापड़ी लड़का है, खुद पानी उधर पी रहा है विशाल। अव्वा भाई लड़का तो ऐसे आ रहा है जैसे बेवड़े आते हैं। अरे 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 बच के, पानी लग गया उसको, मरा। आराम से पीना चाहिए ना पागल। मम्मी है सो के उठ रही है मम्मी तो भाई। भाई मेरा आयुष तो हीरो हमेशा ही लगता है। इसमें दो चश्मे आयुष, दो है कि तीन चश्मे हैं? गाइस देखो मेरा आयुष हमेशा ललन टॉप लगता है भाई। ये तो तीन ने चश्मे आयोस, तीन तिगाड़ा काम नहीं करेगा। आयोस तुम आए थे कि नहीं जब हम लोग बनारस गए थे? तो आए थे। कितनी बार बड़के में से पूछा, बड़के में से आई बहन ने, फिर गए, फिर अपन याद कर रहे कुछ कुम उतर लिया पढ़ाई लगे तब से तो है। गाइस आयुष देखो दो बार आया था, तीन बार आया था कि कब अर्चना दी और विशाल भैया आएंगे, कब अर्चना दी विशाल भैया आए थे। मम्मी से आके बार बार पूछ रहा था भाई। आयुष मेरे सामने तो एकदम हीरो लग रहा है। आयुष चश्मे मत लगाओ यार, क्योंकि मैं गंदी लगूंगी फिर। और आते ही गाइस मैंने ना पहले ही 1.5 किलो तो ऑयल लगा लिया, क्योंकि सर इतने दर्द कर रहे थे ना। अरे वाह यार इसमें तो मैं बुढ़ी लग रही हूँ आयुष। हाँ यार इसमें अच्छी नहीं, दूसरे वाला चश्मा मुझे अच्छा लगा। अब मैं खाने में बना रही हूँ ना गाइस, रात के खाने में देखो बन रहा है इडली, वो भी रवे का इडली बन रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं देखो कैसा बनेगा। हाँ भाई इसमें तो अच्छी लग रही हूँ। इसमें अभिशाल फिलहाल नहाने गया अभी।
मुझे तो इतनी ज्यादा थकान आ गई है, मुझे बस नींद आ रही है, नींद आ रही है। अच्छा फटाफट इडली बन जाए, रवे वाली देखो कैसी बनती है। ये रहा गाइस इडली, सॉफ्ट है कि नहीं? मस्त, एक नंबर मस्त है। हाँ चटनी गाइस मैंने बनाया ना, वो उसका क्या बोलते हैं उसको, सिंगदानी का। एक बार बनाया यूट्यूब से देख के, पर अच्छा बन गया।